सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कालांतर में एक असुर हुआ, जिस असुर ने भगवान का तप करके, ब्रह्मा जी का तप करके उनसे वरदान लिया कि मैं एक ऐसी कन्या के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हूं जिसने संसार के सुखों का उपभोग न किया हो, जो पूर्ण रूपेण कन्या हो, ऐसी दिव्य कन्या के हाथ से मेरी मृत्यु हो। परिणाम स्वरूप कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता था। तप के बल से उसकी पहुंच अनेक लोकों तक हो गए। देव लोकों से देवताओं को भी उसने निष्कासित कर दिया। तब समस्त देवता जाकर के महा माया मां भगवती के चरणों में निवेदन करते हैं, जय दुर्गे महेशानी जयात्मीय जन प्रभे त्रैलोक्य त्राणकारिण्यै शिवाय तये नमो नमः। कि नमो मुक्ति प्रदायिन्यै पराम्बायै नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थिति संहार कारक। हे जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार की कारक, हे भगवती जगत जननी जगदम्बा, आप हमारा कल्याण करिए। सजनों, बहुत विनय करने के पश्चात में भी मां भगवती देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुई। तब देवादिदेव महादेव की शरण में आए। देवादिदेव महादेव की शरण में आए और महादेव से विनती करी, प्रभु आप ही ऐसी कृपा करिए कि माता भगवती दूसरा अवतार धारण करें, कन्या के रूप में प्रकट हों। तो महिषासुर आदि असुरों का वध करने के पश्चात में कहते माता भगवती का स्वरूप कृष्ण वर्ण का हो गया, काला हो गया। माता ने रक्त भी ज्यादा असुरों को मारने के लिए, उनके उद्धार के लिए महाकाली का जब रूप धारण किया, भगवती के काले स्वरूप में आज भी माता विराजमान है। देवताओं ने विनय करी कि प्रभु आप माता के काले रूप के ऊपर थोड़ा कटाक्ष करिए, कुछ कहिए, ताकि माता क्रोधित होकर के और अपने इस रूप को त्याग करके दूसरा स्वरूप धारण कर लें। महादेव की बहुत विनती करने पर महादेव मान गए। पास में बैठी हुई गौरा को, पास में बैठी हुई भगवती को हंसते हुए भगवान ने कहा, देवी तुम तो बिल्कुल काली लग रही हो, तुम्हारा रंग सांवला हो गया है थोड़ा। मैया हाथ जोड़ के बोली, तो प्रभु एक काम करिए, मुझे अब कैलाश से जाने की आज्ञा दीजिए, मैं तो जा रही हूं, अब नहीं रहूंगी मैं। जब आपको ही मैं अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं रह के करूंगी क्या। यद्यपि मैं तो हमेशा उतना ही प्रेम आपसे करती हूं, पर आपको मेरे इस काले रूप से अगर आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं चली जाती हूं। जब मैं गोरी हो जाऊंगी ना, तभी लौट के आऊंगी। मैया जाने लगी तो भोलेनाथ ने रोका, अरे नहीं नहीं देवी, मैं तो विनोद कर रहा था, मैं तो हंसी कर रहा था, आप तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, हमेशा रहेंगी। मैया कहते, नहीं नहीं, आप हमसे प्रेम नहीं करते, मुझे पता चल गया, आप तो रंग से प्रेम करते हैं, रूप से प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं।
भोलेनाथ कहते, नहीं देवी, मैं तुमसे जितना प्रेम करता हूं उतना मैंने कभी किसी से नहीं किया। देखो मेरे गले में ये जो मुंडों की माला देख रही हो ना, इसमें जो गले में जो मुंड पड़े हुए हैं, जानती हो किसके सिर हैं? मैया बोले, नहीं नहीं जानती तो नहीं। बोले, इसमें आपके ही सिर लगे। जब जब लीला के लिए आपने अवतार लिया, जब जब आपने अपने एक स्वरूप को त्याग के दूसरे कल्प में दूसरे शरीर को धारण किया, तब तब आपके दिव्य देह के इस अंग को, श्री अंग को, मस्तक को मैंने अपने हृदय से लगा लिया। तुम शरीर से भले ही मेरे पास न रहो, बीच बीच में वियोग होता रहता है, पर मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। भगवान भगवान सदाशिव भोलेनाथ कहते, देवी मत जाओ। पर भगवती कहती है, नहीं प्रभु, अब मैं सुंदर रूप धारण करके ही आऊंगी। महादेव कहते हैं, अरे देवी, आपको उसके लिए जाने की क्या जरूरत है? आप तो संकल्प मात्र से अपने स्वरूप को धारण कर सकती हैं, बदल सकती हैं। आप कहो तो मैं ही अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा ये कार्य संपादित कर दूं। पर मैया कहते, नहीं नहीं ऐसे नहीं महाराज, मैं तपस्या करूंगी, तप करूंगी, फिर ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा मैं अपने इस दिव्य देह के दिव्य स्वरूप को धारण करूंगी। देवता तो यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये बीज डाला था, लड़ाई झगड़ा हो जाए बाबा। माता गई और माता ने जाकर के दिव्य मेरु पर्वत पर जाकर के और तपस्या करी। बहुत वर्षों तक नियम पूर्वक, विधि पूर्वक तपश्चर्या करी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी महाराज आए और ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के जब निवेदन किया, देवी कहो मैं क्या कर सकता हूं, आप तो स्वयं सर्वसमर्थ हैं। तब हाथ जोड़ करके भगवती कहती है, हे पितामह ब्रह्मा, आप मेरे लिए हमेशा पूजनीय और वंदनीय हैं, क्योंकि भले ही प्रकृति स्वरूप में मैं ही सबकी जन्मदात्री हूं, भगवान शिव ही सबके पिता हैं, लेकिन फिर भी लीला के लिए भगवान शिव ने आपके अंग से भी प्रकट होकर के चराचर जगत को बचाया था, और मेरे पति को प्रकट करने के कारण आप एक रूप से मेरे ससुर भी लगे। आपके पुत्र पर्वतराज हिमालय की मैं पुत्री हूं, इस कारण से आप मेरे नाना भी लगे। आपने चराचर जगत को उत्पन्न किया है, इस कारण से आप सबके पिता भी हैं। भोलेनाथ को मेरा ये सांवला रूप अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इस रूप का त्याग करना चाहती हूं। तब माता भगवती जगत जननी जगदम्बा ने दिव्य रूप से अपनी शक्तियों के द्वारा अपने अंदर विराजमान उस दिव्य काली रूपी शक्ति को अपने से दूर किया। दिव्य श्याम वर्ण की वो छाया जैसे माता ने अपने शरीर से दूर की, वो दिव्य रूपधारी एक दिव्य कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। प्रेम से कह दो, हर हर महादेव। और इसी देवी का नाम रखा गया कौशिकी देवी। ये कौशिकी देवी के रूप में प्रकट हुई, ये पुत्री को ब्रह्मा जी को सौंप दिया कि इसे ले जाओ, यही कन्या तुम्हारे मनोवांछित कार्यों को पूर्ण करेगी। जिस असुर ने अत्याचार किया है, उस असुर के अत्याचार को ये कन्या समाप्त करेगी। ब्रह्मा जी महाराज देवी कौशिकी को लेकर के आए और उसके द्वारा उन महान अनेक अनेक दैत्यों का वध भगवती ने किया। एक बार सब कह दो, हर हर महादेव।